राजधानी पटना से सटे दानापुर में कैंट मध्य विद्यालय परिसर में चल रहे संचालित ज्ञान विज्ञान रेनबो होम में छात्राओं को एनआरसी और सीएए कानून के बारे में जिस तरह पढ़ाया जा रहा था उसको लेकर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने विषय वस्तु एवं उसे पढ़ाए जाने के तौर तरीके पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानून को इस स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संस्था में रखे कागजातों को देखकर पाया कि इसके जरिए स्कूल में नाबालिगों को देश में बने कानून के खिलाफ ऐसे बताया जा रहा था जैसे कानून उनके खिलाफ है। इसी के बाद कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। दानापुर थाना की अनुसंधानकर्ता रीना कुमारी ने बताया कि देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है और इसकी छानबीन की जा रही है। स्वर्ण रानी के साथ दानापुर से आनंद मोहन की रिपोर्ट। क्या पढ़ते हो? सब क्या पढ़ते हो? क्या क्या पढ़ाई होता है? हिंदी इंग्लिश मैथ। अच्छा, कब से यहाँ रह रही ना? 2018 में। आज क्लास हुई है बाबू? यहाँ जो आज यहाँ अभी थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। नहीं, वो पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं, कुछ भी कैसे पूछ सकते? ठीक है ठीक है, एक बात और पूछ लेते हैं। वो जो वो जिस पे आज जो चीज़ पे लगा है बाबू, यहाँ एक चीज बात आया था, एनआरसी और सीए का पढ़ाई हुआ था? जो जानकारी है बताइए। जानकारी है अगर हुआ तो बताओ, नहीं तो अच्छी नहीं। ठीक है, पता नहीं बेटा, हमने आई है, क्या मामला है? इसमें देशद्रोह का मामला है। कौन सा स्कूल है या क्या थी संस्था है? विज्ञान विज्ञान रेनबो संस्था है जी। तो इसमें क्या क्या का पढ़ाई होता था? रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ट्रैम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।